हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले REC लिमिटेड इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, और ये स्टॉक है आधे परसेंट के करीब की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पर देखें तो पीछे के एक सप्ताह में इस स्टॉक में करीब आधे परसेंट की तेजी देखने को मिल रही है, और एक महीने में इस स्टॉक में 1% के करीब की तेजी देखने को मिली है। तो अगर हम इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर निचले लेवल पर इस स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 113 रुपए, 113 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 130 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में देखें तो लगातार इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक ने एक हाई लगाया 126 रुपए, 126 रुपए में इस स्टॉक में एक हाई लगा। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट 126 रुपए के बाद ही देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक और बड़ी रैली लगाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।